सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई होंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सरकार को चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में भेजा है। बता दें, सीजेआई ललित अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के 50वें चीफ जस्टिस। सीजेआई ललित ने की जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश। 8 नवंबर को रिटायर होंगे सीजेआई ललित। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाईवी चंद्रचूड़ भी थे 16वें सीजेआई। अपने बेबाक फैसलों के लिए चर्चित है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ ने राम जन्मभूमि समेत दिए कई बड़े फैसले। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी जज रहे हैं चंद्रचूड़। मार्च 2016 में चंद्रचूड़ बने थे सुप्रीम कोर्ट के जज। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश सीजेआई होंगे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सरकार को चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में भेजा है। बता दें कि सीजेआई ललित अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को पदभार संभालेंगे, जो 10 नवंबर 2024 तक यानी 2 साल का होगा। वरिष्ठता सूची देखी जाए तो जस्टिस चंद्रचूड़ मौजूदा सीजेआई ललित के बाद सबसे वरिष्ठ हैं। इसीलिए उन्हीं के नाम की सिफारिश की गई। दरअसल सीजेआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को सीजेआई एनवी रमन का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल सिर्फ 2.5 महीने का रहा, जबकि उनके पहले प्रधान न्यायाधीशों का कार्यकाल 1.5 साल का रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ को 2016 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं जस्टिस चंद्रचूड़। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जज रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें सीजेआई थे। उनका कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक लगभग करीब 7 साल तक रहा। ये किसी सीजेआई का अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद वो भी उसी पद पर बैठेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के भी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पिता के बाद बेटा भी सीजेआई बनेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जस्टिस चंद्रचूड़ पिता के 2 बड़े फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में पलट भी चुके हैं। वो अपने बेबाक फैसलों के लिए भी चर्चित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।